भाइयों बहनों, आज से 10 दिन पहले भी मैं यहां आया था। आज मुझे यहां एक बार फिर से आपके बीच में आकर के आपका स्वागत करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। आप सब जानते हैं बिजनौर जनपद उत्तर प्रदेश का एक बहुत ही महत्वपूर्ण जनपद है। आज से 5000 वर्ष पहले महात्मा विदुर ने इसी जनपद को अपना केंद्र बिंदु बनाकर के अपनी नीति के माध्यम से उस समय के शासन व्यवस्था के कुछ महत्वपूर्ण रहस्यों का उद्घाटन भी किया था। महात्मा विदुर के साधना से पवित्र इस धरती पर आप सबको जन्म लेने और सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। आप सब इसके लिए जहां सौभाग्यशाली हैं, वहीं हम सबको इस बात पर गौरव की अनुभूति होगी कि इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सानिध्य में आज महात्मा विदुर के नाम पर आपके बिजनौर जनपद का एकमात्र मेडिकल कॉलेज इसी जनपद में बनाने की कार्रवाई युद्ध स्तर पर भी आगे बढ़ रही है। भाइयों बहनों, मैं सबसे पहले बिजनौर वासियों को मेडिकल कॉलेज की सौगात प्राप्त होने पर हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों बहनों, यह मेडिकल कॉलेज बिजनौर जनपद में उच्च स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने का एक सशक्त माध्यम बनेगा, ये मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं। भाइयों बहनों, जब आज हम लोग बिजनौर जनपद में आए हैं तो आज के इस अवसर पर मैं आप सबका आह्वान करूंगा कि आपने 5 वर्ष उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार की कार्यपद्धति को देखा है। डबल इंजन की सरकार ने उत्तर प्रदेश के अंदर हर सुविधा डबल और ट्रिपल तरीके से अपनी जनता जनार्दन को देने का कार्य भी किया है। तो बिजनौर से आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, जहां पर अपनी पार्टी के